गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था मैनेजमेंट टेक्निक्स का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं सभी के लिए। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की लिमिटेशन, कि इसमें लिमिटेशन क्या क्या हैं। तो इसमें जो मेजर लिमिटेशन है उसमें सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो डिफ़िकल्टी इन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन, यानी किसी भी काम को करने के लिए उसका जो परफेक्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको डिसाइड करना या डिटरमाइन करना ही सबसे कठिन काम होता है। तो सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी इनको आती है वो आती है ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने में, कि जो ऑब्जेक्टिव है वो परफेक्ट डिटरमाइन नहीं हो पाता है। सेकेंड है आपके बैलेंस प्रॉब्लम। अब बैलेंस प्रॉब्लम क्या है, जो आपके प्लानिंग होती है, प्लान होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कि हमने एक अप्रैल 2020 से अपन ने प्लानिंग शुरू की और ये प्लानिंग जो है 31 मार्च 2021 तक चलेगी। तो ये जो प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग तो होती है आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कि हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो हम उसको शॉर्ट टर्म यानी एक ईयर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्लानिंग ऐसी होती हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं, जैसे कि हम ये कहें कि हम किसी भी चीज़ की सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो सेल इंक्रीज़ करने के लिए हम 5 साल में या 5 ईयर में हम किस तरीके से उस सेल को इंक्रीज़ करेंगे, तो ये जो प्लानिंग होती है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें जो आपके बैलेंस प्रॉब्लम है, वो बैलेंस प्रॉब्लम ये है कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कैसे करेंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करेंगे। फिर जो आपका थर्ड है वो है आपका डिफ़िकल्टी ऑफ इनसिक्योरिटी। अब हमको जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया स्टार्टिंग में ही, जब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके और वर्क स्टार्ट कर दिया, तो जो वर्कर्स होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं उनको ये परेशानी रहती है कि इनसिक्योर रहते हैं वो हमेशा ही, कि क्या वास्तव में हमको जो टाइम पीरियड दिया गया है हम उस टाइम पीरियड में इस प्लानिंग को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ये जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये तो थी इसकी मेजर जो लिमिटेशंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये इसकी मेजर लिमिटेशन थी, डिफ़िकल्टी इन ऑब्जेक्ट, आपके डिफ़िकल्टीज इन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन में, सेकेंड थी बैलेंस प्रॉब्लम की और थर्ड थी डिफ़िकल्टी और इनसिक्योरिटी की। अब जो अदर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी हैं जो इसको करने में होती हैं, वो है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ हायर मैनेजमेंट। अब जब हम ये कहें कि जो प्लानिंग करने का काम है वो फर्स्ट लेवल मैनेजर करता है और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल मैनेजर जो है वो करते हैं, यानी प्लान ऑब्जेक्टिव किसने डिसाइड किया, फर्स्ट लेवल मैनेजर ने, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने के लिए सेकेंड और थर्ड लेवल मैनेजर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ हायर मैनेजर, यानी जब ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके इनको दे देते हैं तो इनका जो आपके पार्टिसिपेशन है वो बाद में कम हो जाता है, फिर केवल यही लोग अपने कार्य करते रहते हैं, इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो यहाँ पर इसने फर्स्ट जो अदर प्रॉब्लम है वो बताई, फिर परस्यू ऑफ एक्सेसिव टाइम, फिर क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड कर लिया है कि हमको 1 ईयर प्लानिंग में इतना काम करना ही करना है, तो ये हम जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है उसकी वजह से हम परेशानी में रहते हैं कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग, यानी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा 1 ईयर में कंप्लीट होना ही चाहिए। फिर जो थर्ड इसकी प्रॉब्लम है वो नॉट प्रॉपरली मोटिवेटेड। अब क्योंकि पर पर्सन को ये पता होता है कि मुझे इतने टाइम पीरियड में इतना काम करना है, तो वो मेंटली जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि मुझे काम पूरा करना है, मेरे को टाइम कम है, तो इसलिए उनको जो प्रॉपरली मोटिवेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसके बाद आपके हैं इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब एक पर्सन जो है वो तेज़ी से काम कर रहा है, एक पर्सन जो है थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो उनमें आपस में मनमुटाव हो सकता है, आपस में झगड़े हो सकते हैं या आपस में जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसमें इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट होने का जो है खतरा ज़्यादा रहता है। फिर लैक द ट्रू इंटीग्रिटी, यानी जो इसमें हम हकीकत में जो चाहते हैं
उसके लिए हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हकीकत चीज़ हमको चाहिए उसके लिए हमको ऑब्जेक्टिव कहाँ है, कैसे पहुँचना है, उसकी हमको प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद है एक्सेसिव टाइम इन स्पेंड। जब हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स के आधार पर काम करते हैं तो जो हायर लेवल मैनेजर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो प्लानिंग में जाता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में जाता है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है इस टेक्निक में। इसके बाद है एम्प्लॉई ऑल्सो एडॉप्ट रॉन्ग मीन्स, यानी जब हमारे ऊपर काम का बर्डन होता है तो हम एक राइट वे चुनने की बजाय एक रॉन्ग वे चुन करके हम अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो गलत तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट आपके है इट इग्नोर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी जो भी कंपनी है वो जब भी काम करती है या प्लानिंग करती है तो वो ये सोच के काम नहीं करती है कि हमको एक साल की ही प्लानिंग करनी है, बल्कि वो अपने आप को कैसे राइज करना है, कैसे कंपनी को आगे ले जाना है, उसके लिए वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी जो है वो बना करके चलती है। तो इस जो ऑब्जेक्टिव वाला जो टेक्निक है इसमें जो आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इसके लिए इस टेक्निक के आधार पर हम केवल एक ईयर का ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करते हैं और एक ईयर के ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस ये जो आपके टेक्निक है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इग्नोर करती है। ये हमारा जो फर्स्ट था आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये टेक्निक हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे वाली जो टेक्निक है हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।